नागपुर में शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि सरकार बेमौसम बारिश, दूध उत्पादकों, संतरा उत्पादकों, कपास उत्पादकों, गन्ना किसानों की समस्याओं, प्याज निर्यात पर प्रतिबंध, उत्पादन पर प्रतिबंध जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन में गन्ने से इथेनॉल, मराठा आरक्षण और इसका रास्ता निकाले, तंबाकू निर्यात और इथेनॉल उत्पादन के मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल मिलेंगे और कोई रास्ता भी निकाल लेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर किसानों को राहत दी जाएगी। जयंत पाटील साहेबांनी पण अनेक वेगवेगळ्या प्रश्नांना स्पर्श केला। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारच्या वतीने मी अतिशय नम्रपणे सभागृहाला सांगू इच्छितो की कुठल्याही मराठा आरक्षण असेल, अवकाळी पावसाच्या संदर्भामध्ये जी काही सुरुवातीला स्थगनच्या निमित्ताने विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी भूमिका मांडली आणि काही दाखले दिले तो विषय असेल किंवा उसाच्या संत्र्याच्या संदर्भातला विषय असेल, त्याच्याबद्दल परवाच कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे। कांदा उत्पादकाच्या बद्दल निर्यातीच्या बद्दलचा एक महत्वाचा प्रश्न सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांच्या त्या भावना तीव्र आहेत, कारण आता पण उज्ज्वल साहेब माझ्याशी बोलत असताना त्यांनी नाशिकच्या संदर्भातली काही गोष्टी मला सांगितल्या।